जयपुर कोतवाल में दर्ज किए गए मामले के तहत कांग्रेस प्रत्याशी आदेश चौहान, बीजेपी प्रत्याशी और डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, वहीं बीएसपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी ने समर्थकों संग अपने अपने चुनाव कार्यालय में मंडी समिति तक बिना अनुमति के जुलूस निकाला था। वह अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद भी प्रत्याशियों ने आचार संहिता और कोविड नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद इनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सिंघल और कांग्रेस प्रत्याशी आदेश चौहान समेत चारों प्रत्याशियों ने कोविड नियम और आचार संहिता का उल्लंघन किया है। सभी ने बिना परमिशन के नामांकन के दौरान भीड़ जमा करी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वही जसपुर में बीजेपी कांग्रेस वही बीएसपी आप प्रत्याशियों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, नामांकन के दिन हमें संज्ञान में आया, हमारे एफएसटी के द्वारा संज्ञान में आया है कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बसपा और आप इनके प्रत्याशियों के द्वारा जबकि जुलूस बंद है, उनके द्वारा जुलूस निकाला गया था। तो इसी के कारण से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री आदेश चौहान, आपके प्रत्याशी श्री यूनिस मोहम्मद यूनुस और बसपा के प्रत्याशी अजय अग्रवाल, इन पे एफआईआर